नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आपकी पॉलिटी स्पेशल चली हुई थी और पॉलिटी स्पेशल में आप पढ़ रहे थे पार्ट नंबर 5, और पार्ट नंबर 5 के अंदर भी आपका चला हुआ था जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो सबसे पहले आज का हमारा जो लेक्चर है, लगभग लेक्चर ये आपका जो लेक्चर है ये लगभग 53-54 लेक्चर है, यानी कि 53 या 54 लेक्चर की टीम है। लगभग आपकी 90 लेक्चर के आसपास आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज आप लोग हेडिंग डालिए। सबसे पहले अगर बात करें तो आज आप लोग क्या पढ़ रहे हो, वही पुरानी बात है, पार्ट नंबर 5 आपका चला हुआ है। पार्ट नंबर 5 यानी कि भाग 5। और भाग 5 के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भाग 5 के अंदर हम पढ़ रहे थे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, यानी कि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका, और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। सर, इनके आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो वही पुरानी बात। ठीक है, इनके जो आर्टिकल की अगर हम बात करें, इनके अनुच्छेदों की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक ये नहीं है पार्ट 5। और मैंने ये भी कहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट माना जाता है। यानी कि लिखो पार्ट 5 इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, तो यहां पर नोट करो एक बार। जूम कर दो, बिल्कुल भाई जूम करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल। तो जो आज की हेडिंग रहनी है, आज आप लोग क्या पढ़ोगे, तो आज आप लोग जो पढ़ेंगे वो लिखोगे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सर क्या चला हुआ था? तो आपका पता होगा, आपका एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करा दिया, लेजिस्लेटिव कंप्लीट करा दिया, आपका जुडिशरी चला हुआ है, यानी कि जुडिशरी JUDICIARY जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका, आपकी न्यायपालिका चली हुई है। इसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ते हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको करा दिए। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियां। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो आपके किस आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल 137 में क्या है, तो आर्टिकल 137 के अंदर है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब पुनर्वलोकन, यानी कि अगर कोर्ट कोई फैसला सुना देती है तो उस फैसले पर दोबारा से विचार भी कर सकती है कि क्या वो जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया, तो यानी कि ऐसे किसी फैसले पर विचार करने को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, मान के चलो हाई कोर्ट छोटी कोर्ट होती है, हाई कोर्ट कोई डिसीजन लेती है और हाई कोर्ट कोई भी फैसला ले, तो सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले को बदल सकती है। अगर हाई कोर्ट ने फैसला जल्दबाजी में लिया, गलत ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है, उसमें चेंज कर सकती है, बदलाव भी कर सकती है। तो यानी कि किसी भी फाइनल जजमेंट पे विचार करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वलोकन, जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, CORTS, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, RECORDS, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेख न्यायालय। और इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल 129 के अंदर है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स
आर्टिकल 129 के अंदर है, इसमें लिखो सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास सभी केस सेव है, सभी केस सेव है, सारे के सारे केस सुप्रीम कोर्ट के पास सेव है, फाइल बन गए, ताकि देखो ताकि हाई कोर्ट, ताकि हाई कोर्ट उनको पढ़कर अपना फैसला सुनाए, अपना फैसला सुना सके। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट लाइन डालो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन डालो, लिखो एडवाइजिंग पावर कोर्ट के पास, ADVISORY कोर्ट के पास एडवाइजरी पावर भी होती है, एडवाइजरी पावर यानी कि सलाह या परमादेश, परमादेशदात्री, परमादेशदात्री शक्ति, एडवाइजरी पावर, संसद को एडवाइजरी पावर का भी अधिकार है, और ये अधिकार संसद को आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना, संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है, लिखो इसमें, इसमें राष्ट्रपति को सलाह, इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए पांच जजों की एक बेंच, पांच जजों की एक बेंच बनाई जाती है, बनाई जाती है, जिसमें से तीन जजों की, जिसमें से तीन जजों की सम्मति हो, जिसमें से तीन जजों की सम्मति हो, इसमें या जिसमें, जिसमें एक मुख्य जज हो, जिसमें एक मुख्य जज हो, ओके। तो यहाँ पे कहा कि संसद को एक एडवाइजरी पावर, संसद के पास में एक एडवाइजरी पावर है कि संसद जो है, पार्लियामेंट, सॉरी पार्लियामेंट कहूँ भाई, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये है अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, ठीक है। अगर देखो सुप्रीम कोर्ट बड़ी हो या राष्ट्रपति बड़ा हो, तो दोनों अगर देखा जाए तो तीनों सेम से लेवल के हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा एडवाइजरी पावर, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 143 में ऐसा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी राष्ट्रपति को सलाह दे देगा, सबसे पहले पांच जज मिलकर एक बेंच बनाओगे, और उस वे पांच जज ही फैसला करेंगे कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनको क्या समझाना, क्या बताना, ठीक है। उन पांच में से तीन, तो तीन जज अगर कोई भी, मान लीजिए कोई भी मैटर है, कोई भी केस है, कोई भी मुद्दा है, और राष्ट्रपति का उस पर सलाह नहीं ली जाएगी, राष्ट्रपति खुलकर डिसाइड नहीं कर सकता क्या करना क्या नहीं, तो राष्ट्रपति फिर सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकता है कि मुझे सलाह दो, और ये राष्ट्रपति को सलाह देने का काम आर्टिकल 143 है, इंपॉर्टेंट है, मुद्दा है, आर्टिकल 143 ही यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सलाह दे सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति पांच जज बुलाऊगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, इन पांचों जज को यूनिफाइड कर देगा, बैठा देगा, उसके बाद यहाँ सामने प्रेसिडेंट बैठेगा, राष्ट्रपति बैठते हैं, उसके बाद इनमें से अगर कोई भी केस है तो 1 2 3 तीन जज तो यस के फेवर में होने चाहिए, यस के फेवर में, तभी वो डिसीजन सर्वमान्य होगा, अगर तीन, दो तो फेवर में है और भाई तीन इन फेवर में है तो फिर कोई फायदा नहीं है, पांच जज में से तीन तो यस बोलने वाले चाहोगे, अगर तीन यस बोल देगा कि हाँ सर ठीक है ये निर्णय, तो ये निर्णय फाइनल निर्णय माना जाएगा, और यह सुझाव पार्लियामेंट उसको, प्रेसिडेंट को मिल सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं पांच के पांच तो कभी फेवर में ही नहीं सकते, कभी भी नहीं, अगर केस सही है तो एक आता तो फिर भी जगह कमियां निकालने का, तो पांच में से तीन जजों की तो यस होनी चाहिए, दो जज नो करते रहो कुछ नहीं, क्योंकि मेजोरिटी तो यस की है ना, तीन, पांच में से तीन तो राष्ट्रपति के फेवर में है, फेवर की नहीं सही और गलत, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट का मालिक होगा सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो फेवर में कभी कम नहीं करता, वो तो सही और गलत के लिए बैठा जाता है, ताकि उसे सही और गलत अच्छे से पता, उसने ये सारे मैटर फेस कर रखे, ठीक है, इसीलिए क्योंकि उसको तजुर्बा है, उसको तजुर्बा है। ओके हो गया भाई यहाँ तक, कर लो नोट, कोई नहीं।
सारी क्वालिटी अपलोड कर दूंगा। 30-35-35 40-40 मिनट की क्लास है, ले लिया करो आपने, छोटा टारगेट बनाया करो दिन का, ठीक है, एक या दो महीने में, 3 महीने में सारी क्वालिटी कंप्लीट हो जाएगी भाई, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट डालो, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है लिखो पावर ऑफ डेस्क राइट, पावर ऑफ डेस्क राइट, पावर ऑफ डेस्क राइट एंड सिक्योर, पावर ऑफ डेस्क राइट एंड सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन, सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ डेस्क राइट एंड सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो संविधान की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था वे रक्षा करना, वे रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मतलब किसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि पावर ऑफ डिस्क्राइब सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्यवस्था करना और रक्षा करना, ये भी किसका अधिकार है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, ये भी उसको लिखो नेक्स्ट, पावर टू ट्रांसफर, पावर्स टू ट्रांसफर, पावर्स टू ट्रांसफर एनी केस फ्रॉम, एनी केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट, वन हाई कोर्ट टू अनादर, वन हाई कोर्ट टू अनादर हाई कोर्ट, तो लिखो किसी भी मामले, किसी भी मामले, किसी भी मामले के एक उच्च न्यायालय, किसी भी मामले के एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में, दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति, स्थानांतरित करने की शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये अधिकार लिख लो किस आर्टिकल के तहत, तो लिखो आर्टिकल, आर्टिकल 139 का ए पार्ट, आर्टिकल 139 का ए पार्ट कहता है कि हाई कोर्ट का कोई भी केस हो, यहां लिखा है किसी भी मामले के एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति, यानी कि अगर कोई भी केस है, कोई भी केस है, सपोज करो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है और हमें ट्रांसफर करना गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट को ट्रांसफर करना, तो सर क्या हो सकता है, क्या बिल्कुल हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना कोई भी केस गुजरात हाई कोर्ट को भेज सकता है, ठीक है, यानी ट्रांसफर कर सकता है, ऐसा ही नहीं, हम अपना किसी और के साथ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, कोई अपना किसी और के, अगर जहां चाहे अगर अपना केस ट्रांसफर करना हो तो हो सकता है, ठीक है, टेंशन ना लो। और इसका केस ट्रांसफर करने का अधिकार कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 139 का ए पार्ट, इसके तहत ही अधिकार प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सुप्रीम कोर्ट शुड, सुप्रीम कोर्ट शुड, सुप्रीम कोर्ट शुड ऑलवेज बी इन, ऑलवेज बी इन, ऑलवेज बी इन इन नेशनल, नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल और नियर, नेशनल कैपिटल और नियर द प्रेसिडेंट हाउस, नियर द प्रेसिडेंट्स हाउस, लिखो सर्वोच्च न्यायालय सदा, सर्वोच्च न्यायालय सदा राष्ट्रपति आवास, राष्ट्रपति आवास, सर्वोच्च न्यायालय सदा राष्ट्रपति आवास के नजदीक, आवास के नजदीक होना चाहिए, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया बात बताई इन्होंने, कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो लिखो ऐसा आर्टिकल, आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 130 कहता है, अनुच्छेद 130 कहता है कि शुड, शुड कोर्ट, शुड नहीं है सुप्रीम कोर्ट है ये, इसको एक सुप्रीम कोर्ट,
SUPREME सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट शुड ऑलवेज बी इन नेशनल कैपिटल और नियर द प्रेसिडेंट हाउस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थिति जो होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति भवन के आसपास होना चाहिए, यानी कि जो प्रेसिडेंट हाउस होता है प्रेसिडेंट के हाउस के समीप उसके नजदीक ही होना चाहिए, ताकि किसी भी टाइम हम लोग प्रेसिडेंट से संपर्क कर सके और प्रेसिडेंट किसी भी टाइम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आ सके, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो यानी कि बिल्कुल एक जगह एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए, आसपास ही होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन को बोलते हैं प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है। और भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो कहाँ है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी किस पहाड़ी पे है, आपको जरा कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, तो देखो रायसेना पहाड़ी, रायसेना हिल, ठीक है, रायसेना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। कर दो नोट कोई, हो गया। अब उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आपका हो चुका खत्म, सुप्रीम कोर्ट आपका खत्म हो चुका, हाई कोर्ट मैंने करा दिया, हाई कोर्ट भी हो चुका, सुप्रीम कोर्ट हो चुका। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कैग, कैग के बारे में आपने सुना होगा, कैग क्या है, कैग CAG कैग, भाई विशु इस क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट जो क्लास चलेगी, ठीक है, नेक्स्ट जो बैच चलाएगा उस बैच में इन्वॉल्व कर लूंगा, जल्दी चलाओगे, ठीक है, जल्दी ही नेक्स्ट सेकंड बैच चलाओगे पॉलिटी का, ये पॉलिटी थर्ड चला हुआ है, पॉलिटी थर्ड चला हुआ है, ये पॉलिटी फोर्थ जब लॉन्च होगा तब आपको बता दिया जाओगा, ठीक है, आप अपनी फीस टाइम से पे करके और पॉलिटी फोर्थ का मजा ले सकते हैं। नोट्स बनाकर तैयारी करोगे तो शायद पॉलिटी जीवन में एक बार ही पढ़ने को मिलेगी, इस बार और कभी आगे रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, दोबारा से पॉलिटी पढ़ लेगी, ठीक है, गारंटी है इस चीज की। तो अब आप हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैग, CAG कैग। अब कैग क्या होता है सर, कैग की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो देखो कंट्रोलर, कंट्रोलर CompTroller कंप्टोलर एंड ऑडिटर AUDITOR कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल GENERAL कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको बोलते हैं नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर पेपर बनाता है क्या, नहीं पेपर बनाने का काम नहीं है, वो तो नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिट का मतलब हिसाब किताब, हिसाब किताब, ठीक है, हमारे देश की जितनी सैलरी होती है, जितनी पेंशन वगैरह, जो भी टोटल खर्चा देश का है, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है सभी, जैसे पुलिस की सैलरी है कहां से आती है, उनका हिसाब किताब कौन रखता है, तो सैलरीज वगैरह का हिसाब किताब रखता है कैग, CAG कैग, यानी कंप्टोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। अब देखो इसके जो आर्टिकल है, यानी कि CAG का जो है कैग, ये बोला कैग, CAG अलग अलग है, C.A.G कैग फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है, लिखो इसका जो उल्लेख है कैग का, वो लिखो आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 तक, लास्ट है ये, लास्ट है, क्योंकि 151 तक ही तो है ना आर्टिकल पार्ट 5 में, 52 से लेकर 151 तक तो खत्म हो जाएगा ये। तो सबसे पहले ही आप लोग हेडिंग डाल दो आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में क्या है, तो लिखो आर्टिकल 148 में लिखो देयर विल बी आ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो देखो भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है। देखो इसे संघ के वित्तीय कार्य, संघ के वित्तीय कार्य यानी कि फाइनेंशियल वर्क्स का लेखा जोखा
उसके पास रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक बात है, तो क्या है, ये कहा कि आर्टिकल 148 कहता है देयर विल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसका कार्य क्या होगा भाई, सीएजी का काम क्या है, संघ, संघ का मतलब यूनियन, संघ का मतलब यूनियन, यानी कि तो यूनियन है, यूनियन के जितने भी वित्तीय कार्य है, यानी कि यूनियन के, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन पूरे देश की यूनियन, यूनियन के जो फाइनेंशियल वर्क है, यूनियन के जो फाइनेंशियल वर्क है, इनका जो भी लेखा जोखा होगा, इनका जो भी लेखा जोखा होगा वो किसके पास रहता है, वो रहता है सीएजी के पास। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत में जितनी भी सैलरीज, पेंशन, वेतन भत्ते, इनसे संबंधित जितना भी लेखा जोखा हो, कहाँ कितनी सैलरी देनी, कितनी, कौन सा वेतन आयोग लगना, किसको कितना पीएफ मिलना, सब कुछ पैसे से संबंधित सारी जानकारी किसके पास रहती है, कैग, सीएजी के पास रहती है कैग, और कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिट शब्द बना, ऑडिट, ऑडिट का मतलब लेखा जोखा, गणना करने वाला, ऑडिट का मतलब गणना करना, ठीक है, ऑडिट, और ऑडिट, ऑडिट जो करता है उसको ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि गणना करने वाला, ठीक है। तो यानी पैसे से संबंधित जो भी संघ के कार्य होंगे, जो भी यूनियन के कार्य होंगे, उन कार्यों का लेखा जोखा किसके पास रहता है, कैग के पास रहता है, और कैग का उल्लेख कहां है, आर्टिकल 148 से 151 तक है। ओके, आर्टिकल 148 कहता है कि हमारे देश में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। उसके बाद आर्टिकल 148 का फर्स्ट पार्ट, लिखो आर्टिकल, आर्टिकल 148 का फर्स्ट पार्ट, आर्टिकल 148 का फर्स्ट पार्ट लिखो भाई, टर्मिनेशन, टर्मिनेटिंग, TERMINATING, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब पद से हटाना। अगर हम कैग को अपने उसके पद से हटाओगे, यानी कि हम कैग यानी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल को उसके पद से हटाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो लिखो इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है, ठीक है। अब भाई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसे कैसे हटा रहे, तो लिखो इसे महाभियोग प्रक्रिया, इसको बोलते हैं इंपीचमेंट, IMPEACHMEANT, इसे इंपीचमेंट लगाकर इसके पद से हटाया जा सकता है। इंपीचमेंट का मतलब होता है महाअभियोग, इंपीचमेंट का मतलब महाअभियोग, ठीक है। और अगर बात करें इसको शपथ कौन दिलाता है, ओथ ग्रहण कौन कराता है इसको, जो कैग होता है, कैग, सीएजी, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल को शपथ कौन दिलाता है, तो लिखो इसे शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ओके, उसके बाद देखो आर्टिकल 148 का थ्री पार्ट, आर्टिकल 148 का थ्री पार्ट लिखो, आफ्टर अपॉइंटमेंट His salary and allowances can not be reduced. तो लिखो नियुक्ति के पश्चात इसके वेतन तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी, ठीक है।
उसके बाद लिखो आर्टिकल 148 का फोर्थ पार्ट, कोई नहीं पढ़ाने का, बस आर्टिकल 148 पढ़ाते थे मैं। आर्टिकल 148 का फोर्थ पार्ट लिखो, आफ्टर आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर आफ्टर रिटायरमेंट ही कैन नॉट, आफ्टर रिटायरमेंट ही कैन नॉट अटेन, ही कैन नॉट अटेन एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। देखो सेनावृत्त होने के बाद, सेनावृत्त यानी रिटायर होने के बाद, सेनावृत्त होने के बाद वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं बैठ सकता। यानी कि जब रिटायर हो जाएगा तो रिटायर होने के बाद ऐसी कोई पोस्ट धारण नहीं करेगा जो बिजनेस के साइड से हो, जिसका प्रॉफिट ज्यादा मोटा हो, ठीक है। ये तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 141 में क्या लिखा हुआ है, टर्मिनेशन, इसको कैसे हटाया जाता है, तो कैप को इंपीचमेंट लगा का हटाते हैं, और कैप को शपथ कौन दिलाता है, इसको ओथ कौन दिलाता है, ओथ OATH ओथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। आर्टिकल 148 का थ्री पार्ट क्या कहता है, आर्टिकल 148 का थ्री कहता है कि नियुक्ति के पश्चात इसके वेतन तथा भत्तों में कोई कमी नहीं होगी, इसकी सैलरी नहीं घटाई जाएगी, ठीक है, जब नियुक्ति इसकी हो जाएगी इसके वेतन और भत्तों में कोई कमी नहीं करेगा। आर्टिकल 148 का फोर्थ पार्ट कहता है कि आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा तो रिटायरमेंट के बाद ये किसी भी लाभ के पद पर काम नहीं करेंगे। ओके करो नोट। अब हम इनका कार्यकाल पढ़ते हैं, इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, यानी कि जो कैग अध्यक्ष होगा कितने साल इनका चुनेगा, जो लिखो नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 148 का फाइव पार्ट, तो इसमें लिखो जो इनका टर्म होता है, यानी कि इनका टर्म यानी कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल इनका 6 साल का होता है, 6 ईयर्स, ठीक है। और रिटायरमेंट होने की एज कितनी होती है, तो इनकी जो मैक्सिमम एज होती है छोटो, इनकी जो रिटायरमेंट की एज होती है वो लगभग लगभग 65 साल तक होती है, 65 ईयर्स, 65 साल तक नौकरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 18 साल के लड़के को कैग अध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी कि 65 साल से कम उम्र होनी चाहिए बनने की, 65 साल तक कम उम्र होनी चाहिए कैग बनने की। ओके सर, पेपर देना पड़ता है क्या, नहीं पेपर देना नहीं पड़ता। उसके बाद लिखो नेक्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 का सिक्स पार्ट, आर्टिकल 148 का सिक्स पार्ट कहता है क्या, सैलरी एंड अलाउंसेस AWWANCES, सैलरी एंड अलाउंसेस यानी कि वेतन एवं भत्ते। तो लिखो भाई वेतन और भत्ते जो है कहां से दिए जाते हैं, क्या अध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते जाते हैं वो भारत के किस फंड से दिए जाते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक फंड। अब तो पता लग गया होगा, पढ़ा दिया मैंने तीनों, ठीक है। तो लिखो कंसोलिडेटेड फंड, CONSOLIDATED, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया लिखो, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। इनकी जो सैलरी और एलेंसिस है यानी कि इनका वेतन और इनके जो भत्ते हैं वो भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। संचित निधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, बजट भी इसी खर्चे का बनता है, बजट का जो खर्चा आता है वो भी यही देती है, कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने का अधिकार पार्लियामेंट को है, और कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा निकालने का अधिकार केवल राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को है। ओके चलो,
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, नेक्स्ट हेडिंग है वर्क्स, डब्ल्यू ओ आर के एस, वर्क्स एंड पावर्स, वर्क्स एंड पावर्स यानी कि कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां क्या इनके कार्य है और इनको कौन कौन सी पावर प्राप्त है, ठीक है। तो लिखो भाई नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 148 तक हो गया, 149, आर्टिकल 149 कहता है, क्या कहता है सर, तो आर्टिकल 149 कहता है नियंत्रक महालेखा परीक्षा, नियंत्रक महालेखा परीक्षा, नियंत्रक महालेखा परीक्षा संघ, नियंत्रक महालेखा परीक्षा संघ या राज्य का किसी, या किसी भी सरकारी प्रभाव के लेखे जोखे, लेखे जोखे का निरीक्षण करेगा यानी कि जो भी बजट बना दिया उस बजट की जांच करेगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ जो होता है, या राज्य या किसी भी सरकारी प्रभाव के लेखा जोखे यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट का जो हिसाब किताब है वो चेक कर सकता है, कैग अध्यक्ष जो होता है भाई कितना खर्चा है, कितना आ रहा, कितना जा रहा, कितना आप लोग दे रहे पब्लिक को, यानी कि सब कुछ चेक कर सकता है, कौन नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कितने अधिकार है इसको, सबकी सैलरी का वर्णन कर सकता है, जो पैसा आ रहा उसका भी लेखा जोखा मांग सकता है, जो जान लग रहा उसका भी मांग सकता है कि कितना आ रहा, कितनी इनका हो रही, कितना खर्चा हो रहा, हिसाब किताब दो, यानी कि हिसाब किताब लेने का काम भी इसका अधिकार है, यानी कि इसकी पावर है, किसी से भी क्या मांग सकता है, हिसाब किताब मांग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, उसके बाद लिखो भाई नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 क्या कहता है, ये तो हो गया आर्टिकल 149, उसके बाद लिखो आर्टिकल 150, आर्टिकल 150 क्या कहता है, तो आर्टिकल 150 में लिखो संघ एवं राज्य के लेखे जोखे का प्रारूप, लेखे जोखे का प्रारूप कैग की सलाह पर तैयार किया जाता है। संघ का मतलब आप जानते हो, संघ का मतलब होता है यूनियन, UNION, यूनियन, और राज्य का मतलब आप जानते हो क्या, स्टेट, STATE, स्टेट, यानी कि यह पूरे भारत का भी चेक कर सकता है यूनियन का, और यह किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी चेक कर सकता है, ओके, ऐसा कोई दिक्कत नो सर, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल 151, लास्ट आर्टिकल है लिखो, कैग अपनी रिपोर्ट, लिखो कैग, CAG, कैग पर सरकार का कोई भी नियंत्रण, कैग पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, स्वतंत्र होता है ये। उसके बाद देखो कैग, CAG, कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपालों, गवर्नर्स बोलते हैं, राज्यपालों के समक्ष पेश कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, या तो जो है राष्ट्रपति को देगा, यानी कि या तो प्रेसिडेंट को देगा, अगर प्रेसिडेंट को नहीं देता तो फिर राज्यपालों के समक्ष कर सकता है, राज्यपाल का मतलब गवर्नर, ठीक है। राज्यपाल किसको बोलते हैं इंग्लिश में, राज्यपाल का मतलब होता है गवर्नर, GOVERNOR, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर को बोलते हैं राज्यपाल, कर दो भाई नोट।
और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 इज कंप्लीटेड, ठीक है। इसी के साथ आपका जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 इज कंप्लीटेड, COMPLETED कंप्लीटेड। कल हम पार्ट 6 का डिस्कशन करेंगे, पार्ट 6 यानी कि भाग 6, और पार्ट 6 यानी कि भाग 6, पार्ट 6 में आपका है क्या, पार्ट 6 में आपका क्या है बताओ भाई, स्टेट है यूनियन है बताओ, यूनियन तो पढ़ लिया आपने, यूनियन तो पढ़ लिया आपने पार्ट 5 में, पार्ट 5 सबसे लंबा पार्ट था ये, इसके आगे के सारे छोटे पार्ट ही है। तो ठीक है, कल हम पार्ट 6 पे काम करेंगे, कल हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि क्लास बढ़िया लग रही होगी, ठीक है। शेयर वेयर भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, लाइक वाइक भी कर दिया करो, ठीक है। और नोट्स बनाकर अपने तरीके से अपना काम करो, ठीक है भाई। अगर क्लास लोगे तो परमानेंट, और मैंने कहा अगर मैं आराम से पढ़ा रहा तो कोने में 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 डॉट पर जाकर आप अपनी स्पीड अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।